हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हम सब यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है और क्यों किसी नंबर की पावर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि अगर 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, -3 की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी, या फिर 1 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाती है, ऐसे ही होता है। तो इस वीडियो में हम क्विकली प्रूफ देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्यों है ऐसा। तो पहले अगर हम ले लें, जैसे अगर हम इक्वेशन ले लें, यहाँ पे ए की पावर एक्स और इज इक्वल टू हम कर दें ए की पावर एक्स के ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स से फिर से डिवाइड करना है। दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी चेंज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स से डिवाइड कर दिया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको पता होगा, अगर ए की पावर एम है जिसको डिवाइड करते हैं ए की पावर एन से, तो वैल्यू होती है ए की पावर एम माइनस एन। ये एक आइडेंटिटी होती है डिविजिबिलिटी रूल की, तो ये चीज आपको पता है होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए की पावर एक्स का डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर एक्स से, सेम ये वाली कंडीशन लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू। राइट हैंड साइड में देखें तो ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब ध्यान से देखें एक्स माइनस एक्स क्या होगा, अगर एक्स को एक में से घटा दें तो वैल्यू आएगी 0। तो वही चीज यहाँ पे किया गया, ए की पावर एक्स माइनस एक्स, तो ए की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, तो 0 बराबर 1 हो गया, यहीं से निकल के आता है। अब ए की जगह पे यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ -3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यू हम इसी यहीं से निकल के आता है, अगर किसी भी नंबर की और पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये बिहाइंड द सीन यानी कि कैसे होता है, हम सभी यूज करते हैं ए की पावर 0 इक्वल टू 1, बट ये उसका प्रूफ है, क्विक प्रूफ है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।